ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, गालिब का ये शेर आज नीरव मोदी की कहानी पर एकदम परफेक्ट बैठता है। हद से ज्यादा पानी की चाह में नीरव मोदी को कम समय में दुनिया का डायमंड किंग तो बना दिया, लेकिन शानो शौकत की इसी चाह ने आज नीरव मोदी को फलक से जमीन पर ला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी नीरव मोदी की जिन पर पूरे देश के दूसरे सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक पीएनबी से फर्जी लेन देन का आरोप है। दुनिया की डायमंड कैपिटल कही जाने वाली बेल्जियम के एडवर्ब शहर में फेमस डायमंड ब्रोकर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं ये। आपको बता दें, नीरव मोदी वेल नोन फायर स्टार डायमंड कंपनी के सीईओ हैं, और अगर उनके कस्टमर रिलेशनशिप की बात की जाए तो दुनिया की जानी मानी पर्सनालिटीज जैसे लीजा हेडन, केट विंसलेट, ऐश्वर्या राय बच्चन और कई नेशनल और इंटरनेशनल लोग उनके क्लाइंट रह चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नीरव मोदी के उन कुछ फैक्ट्स के बारे में जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। नीरव मोदी भारत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट्स में से एक हैं। इनकी मेन तीन ब्रांड्स हैं जिनके नाम डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट और सैटली डायमंड है। इनके तीनों कंपनियों के नाम आजकल चल रहे स्कैम में भी शामिल है। नीरव मोदी की फैमिली डायमंड बिजनेस में पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने अपनी साख और नाम अपने दम पर कमाया। आपको बता दें, नीरव का परिवार बेल्जियम के एंथ्रोप सिटी में रहता था। फिर अपनी पढ़ाई के लिए नीरव अमेरिका के वॉर्टन इंस्टीट्यूट गए, लेकिन फेल हो जाने के बाद परिवार ने उन्हें मुंबई में हीरे के कारोबार की बारीकियां सीखने भेज दिया, जहां उन्होंने अपने मामा मेहुल चौकसी से बिजनेस की बारीकियां सीखी। फिर मुंबई से वापस लौटकर उन्होंने अपना काम शुरू किया और आज नीरव मोदी भारत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट्स में से एक हैं। इनकी मेन तीन ब्रांड्स हैं जिनका नाम है डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और सैटली डायमंड। उनकी इन तीनों कंपनियों का नाम आजकल चल रहे स्कैम में भी शामिल है। नीरव मोदी की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनकी टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट अराउंड 11.2 हजार करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, बी टाउन की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इनके ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि नीरव मोदी का पूरा परिवार गुजरात के पालनपुर का रहने वाला है। नीरव मोदी के दादा मुफ्तलाल पापड़ बनाने का काम किया करते थे और उनके पूरे परिवार का खर्चा पापड़ बेचकर ही चलता था। धालवासा में अभी भी नीरव मोदी का पुश्तैनी घर मौजूद है, जो पुरानी ईंटों और यूनानी मिट्टी से बना है। भारत से वापस लौटने के बाद नीरव ने परिवार का बिजनेस नहीं संभाला, उन्होंने अपनी फर्म फायर स्टार डायमंड के नाम से शुरू की। नीरव ने डायमंड के बिजनेस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो दुनिया के ऐसे पहले डायमंड कारोबारी थे जो कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से ज्वेलरी डिजाइन करते थे। यानी कि साफ शब्दों में आप कह सकते हैं कि वो कस्टमाइज डायमंड ज्वेलरी डिजाइन किया करते थे। और नीरव का कस्टमाइज ज्वेलरी का आइडिया इतना चल निकला कि अमेरिका और यूरोप के कस्टमर्स भी उन्हें हाथों हाथ लेने लगे। फिर तेजी के साथ उनका कारोबार बहुत जल्दी बड़ा हो गया। नीरव ने डायमंड का बिजनेस मुंबई से सीखा था और उन्होंने कम लागत में मैक्सिमम मुनाफा कमाने की ट्रिक भी सीख ली थी, और ये बात उन्होंने अपने बिजनेस में अप्लाई की। और वो सूरत से सस्ते दामों पर
हीरे की कटिंग करवाते थे और यूरोप में हाई रेट पर उन्हें सेल किया करते थे। इसके चलते देखते ही देखते उनका बिजनेस करीब 15,000 करोड़ का हो गया था। आपको बता दें कि नीरव जब 7 साल के थे तभी वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। वो एक गुजराती फैमिली से हैं और उनके फादर डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करते थे और उनकी माँ एक इंटीरियर डेकोरेटर है और उनके मामा मेहुल चौकसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो एक बड़ी ब्रांड ज्वेलरी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड चलाते हैं। स्कूल एजुकेशन के बाद नीरव मोदी ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉटन स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहाँ फेल होने के बाद उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और भारत चले आए। नीरव मोदी करंट टाइम में देश के 57th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं और 2017 फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में उन्हें 85th रैंक भी दी गई थी। नीरव मोदी डायमंड ज्वेलरी रिटेल स्टोर चेन के फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। उनकी रिटेल चेन न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में उनके स्टोर्स भी हैं। आपको बता दें कि नीरव अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे कि वो अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ना नहीं चाहते, जिससे बचने के लिए वो वॉटन गए थे, लेकिन एक साल फाइनेंस की पढ़ाई के बावजूद फेल हो जाने के बाद नीरव को हार कर हीरों के बिजनेस में उतरना ही पड़ा। 1999 में नीरव मोदी ने अपनी डायमंड कंपनी फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल के नाम से स्टार्ट की। उन्होंने अपने यूनिक पैटर्न तैयार किए जैसे रिव्यू ऑफ परफेक्शन, गोलकोंडा लोटस नेकलेस, और आगे चलकर गोलकोंडा लोटस नेकलेस इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि 2010 में हांगकांग की क्रिस्टाइन ऑक्शन में उनका ये नेकलेस सबसे ज्यादा बिका। आज की डेट में नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक ने आरोप लगाया है कि वो बैंक से रुपयों के जरिए धोखाधड़ी करते हैं। सोर्सेस की माने तो उनकी वाइफ अमी मोदी, चाचा मेहुल चौकसी और भाई निशल मोदी भी इस फ्रॉड के मामले में शामिल है। बैंक ने तो ये भी दावा किया है कि वो मुंबई की ब्रेंडी हाउस में बैंक की मिड कैपिंग कॉर्पोरेट ब्रांच में बैंक गारंटी और LOU के जरिए धोखा करने में शामिल हैं। हालांकि नीरव मोदी अपनी पत्नी अमी और 3 बच्चों के साथ जनवरी में देश छोड़कर चले गए थे। आपको बता दें कि नीरव और अमी मोदी के बच्चे धीरू भाई अंबानी के स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन इस स्कैम के खुलासे के बाद वो अपने बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। खबरों की माने तो नीरव मोदी देश के सबसे रईस मुकेश अंबानी के रिलेटिव भी बताए जाते हैं। दरअसल नीरव मोदी के छोटे भाई निशाल मोदी की शादी मुकेश अंबानी की भांजी इशिता सलगांवकर से हुई है और सलगांवकर फैमिली का बेस गोवा है, जो देश के सबसे पुराने बिजनेस फैमिलीज में से एक है। आपको बता दें कि नीरव भारतीय नागरिक हैं, जबकि उनकी पत्नी एमी और भाई निशाल के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। खबरों की माने तो CBI ने नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के घर को सील कर दिया है। नीरव मोदी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो एक खास ज्वेलरी को डिजाइन करने में नीरव मोदी ने 20 साल गुजार दिए थे और इसका नाम उन्होंने रखा था एंडलेस ब्रांड कलेक्शन। एक और खास बात नीरव के बारे में ये है कि उनके स्टोर्स में सिर्फ हीरों के कलेक्शंस ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा नीरव मोदी के डिजाइन किए हुए गहनों की कीमत ज्यादातर 10 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक होती है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरव ने अपने करियर अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ शुरू किया था और उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी सिर्फ 3,500 रुपए। नीरव को बेंटले कार चलाने और बेहद महंगे स्टाइलिश इटालियन सूट पहनने का भी शौक है। नीरव अपने शर्ट्स के साथ ऑरेंज और व्हाइट कलर के कफलिंग्स ही पहनना पसंद करते हैं। दरअसल ऐसा करने के पीछे उन्होंने वजह बताई कि एक बार जब उनका बनाया एक नेकलेस 50 करोड़ में बिका तो एक न्यूज़पेपर ने उनकी स्टोरी पब्लिश की और उन्हें नाम दिया नीमो, और ये हॉलीवुड फिल्म का फाइंडिंग नीमो के फिश का कैरेक्टर से इंस्पायर था और इसी वजह से उन्होंने नीमो फिश कफलिंग्स डिजाइन किए जो उनके लिए काफी लकी साबित हुए। साथ ही आपको बता दें कि नीरव के स्टोर
सातों दिन खुले रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग संडे को भी स्टोर इसलिए खोलना अच्छा होता है क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ्स के साथ शॉपिंग करने संडे को भी आ सकते हैं। अम्मी से शादी के बाद नीरव अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। आपको बता दें, हमेशा एक स्टाइलिश बिजनेस वुमन रही, उन्हें पार्टी करना भी बेहद पसंद था और शायद यही वजह थी कि उन्हें वो हर लग्जरी चीज नीरव मोदी ने मुहैया करवाई जिसके लिए उनकी आंखों ने सपने देखे थे। लेकिन उनका सपना पूरा करते करते ये फैमिली कब स्कैम में फंस गई शायद पूरी फैमिली को पता ही नहीं लगा। वेल, तो ये थी आज के प्रोग्राम में नीरव मोदी की कहानी। ऐसी बाकी बड़े लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी फुल अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।